अस्सलाम वालेकुम। काफिर का इंसाफ। मुल्ज़िम एक 15 साल लड़का था, एक स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश की, मजामत के दौरान स्टोर का एक शेल्फ भी टूटा। जज ने फर्द जुर्म सुनी और लड़के से पूछा, तुमने वाकई कुछ चुराया था? ब्रेड और पनीर का पैकेट। लड़के ने एतराफ कर लिया। क्यों? मुझे जरूरत थी, लड़के ने मुख्तसर जवाब दिया। खरीद लेते? पैसे नहीं थे। घर वालों से ले लेते? घर पर सिर्फ माँ है, बीमार और बेरोजगार। ब्रेड और पनीर उसी के लिए चुराई थी। तुम कुछ काम नहीं करते? करता था, एक कार वॉश में। माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी की तो निकाल दिया गया। तुम किसी से मदद मांग लेते? सुबह से मांग रहा था, किसी ने हेल्प नहीं की। जिरह खत्म हुई और जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। चोरी और खुसूसन ब्रेड की चोरी बहुत होलनाक जुर्म है और इस जुर्म के जिम्मेदार हम सब हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स मुझ समेत इस चोरी का मुजरिम है। मैं यहाँ मौजूद हर फर्द और खुद पर $10 जुर्माना आयद करता हूँ। यहाँ मौजूद कोई भी शख्स जुर्माना अदा किए बगैर नहीं जा सकता और स्टोर इंतजामिया के ऊपर $1,000 जुर्माना आयद करता हूँ। फैसले के आखिरी रिमार्क ये थे, स्टोर इंतजामिया और हाजरीन पर जुर्माने की रकम लड़के को अदा करते हुए अदालत इससे माफी तलब करती है। फैसला सुनने के बाद हाजरीन तो अश्कबार थे ही, उस लड़के की तो गोया हिचकियाँ बन गई थी और वो बार बार जज को देख रहा था। कुफर के माशरे ऐसे ही नहीं फल फूल रहे, अपने शहरियों को इंसाफ ही नहीं अदल भी फराम करते हैं।